हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ ईयर के साथ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर मैं पूछूं कि आपका डे ऑफ बर्थ क्या था, तो शायद उन्हें डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे बहुत कम लोग ऐसा रिकॉल कर पाते हैं, खासकर जिनका एज थोड़ा ज्यादा है। तो हम लोग अगर डेट, मंथ और ईयर के कॉम्बिनेशन से अगर हमारा डे कैलकुलेट कर पाए, तो ये एक मैथमेटिकल अच्छा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसमें वीडियो के एंड तक पहुंचते हुए हम लोग 10 सेकंड के अंदर, जी हां, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी भी डेट, मंथ और ईयर के कॉम्बिनेशन पे कौन सा डे था। जरूरी नहीं वो हमारा बर्थडे ही हो, वो हो सकता है कि कोई फ्यूचर की डेट हो, कोई पास्ट की डेट हो, लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए देखते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को जीरो से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहां से लेके चलूंगा जब हम कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे, और एट द एंड जैसा मैंने कहा कि हम इसको कैलकुलेशन कर पाएंगे विद इन 10 सेकंड्स। इस टॉपिक का नाम है रीजनिंग में कैलेंडर्स। हर एप्टीट्यूड एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसको जीरो से शुरू करते हैं। जीरो से मेरा मतलब है कि अगर हम कोई भी एक रैंडम डेट लेके चले, चलिए एक इंपॉर्टेंट डेट ले लेते हैं, 15 अगस्त 1947। हां, इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी। तो चलिए यहां से शुरू करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या हम डेट, मंथ और ईयर के कॉम्बिनेशन से डे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन समझ आएगा, उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए भी इसको चेक कर सकते हैं। जिन्हें अपना डे पता है वो चेक कर लें, जिन्हें नहीं पता वो इस मेथड के थ्रू पता कर लें कि वो कौन से डे को बॉर्न हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि किसी भी ईयर में 365 डेज होते हैं। जी हाँ, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। और ये डेटा कहां से निकल के आया? अर्थ जितने टाइम में सन के अराउंड चक्कर लगाता है वो डेटा है 365 डेज। ये बात सबको पता होती है। और ये भी पता है कि एवरी फोर्थ ईयर हैज 366 डेज, यानी कि हर चौथा साल 366 दिन, 366 डेज का होता है। और इस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। जी हाँ, ये बात आपको सबको पता होगी, लीप ईयर। क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर एक डे एक्स्ट्रा हो गया? जी हां, उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर एक रोटेशन पूरा होता है 365 1/4 डेज के अंदर। अर्थ जो पूरा चक्कर लगाता है सन के चारों तरफ, वो लगभग 365 एक चौथाई दिन में होता है। लेकिन क्योंकि हम 1/4 की कैलकुलेशन को कहां तक ट्रैक करते हैं, इसलिए इस 1/4 को इस ईयर में इग्नोर किया जाता है, और 1/4 चार साल तक ऐड होके बन जाता है पूरा कंप्लीट 1। और इस एक्स्ट्रा 1 को हमने फोर्थ ईयर, जो कि लीप ईयर कहा गया है, उसमें ऐड कर दिया है। चलिए, खैर हमें अभी इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमने बस यह देखा है कि हमने ईयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, और एक जिसमें 365 डेज होते हैं, उसको भी मैं नाम दे देता हूं ऑर्डिनरी ईयर। जी हां, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की बहुत बार। तो मैंने ईयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक लीप ईयर और एक ऑर्डिनरी ईयर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसका नाम है ऑड डेज। जी हां, ऑड डेज। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो ये टॉपिक मान लीजिए खत्म हो गया है। ऑड डेज, ऑड का मतलब यहां पर इवन ऑड वाला ऑड नहीं है। यहां पर ऑड का एक और इंग्लिश मीनिंग है, जैसे आपने किसी को कहते सुना होगा, आज बड़ी ऑड सी फीलिंग आ रही है, बड़ा ऑड लग रहा है। यहां ऑड का मतलब है समथिंग नॉट नेचुरल, विच इज अदर देन द नॉर्मल। तो यहां ऑड डेज का क्या मतलब है वो ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमारे पास में 10 डेज है, 10 डेज है। अब 10 में से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 10 में से एक वीक पूरा बन गया और एक्स्ट्रा बचता है हमारे पास में 3, एंड दिस 3 इज कॉल्ड एज ऑड डेज। यानी कि 10 में से 7 दिन वीक में कन्वर्ट हो गए, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया वो आपके लिए होगा ऑड डेज। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए 51 डेज। अब 51 में से 7777777 का ग्रुप बन करके 49 डेज वीक में कन्वर्ट हो गए हैं, बाकी बचा 2, तो 2 ऑड डेज है 51 डेज में। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे किसी भी नंबर में से ऑड डेज निकालने हैं, मान लीजिए 100 डेज, तो मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूं और जो भी रिमाइंडर आएगा वो मेरा ऑड डे कहलाएगा। ये हुआ ऑड डे का कॉन्सेप्ट।
बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ डेज आपको गिवन है उसमें से 7-7 के कितने कंप्लीट वीक्स फॉर्म हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाता है दैट इज ऑड डेज। यानी कि अब अगर मुझे ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे निकालना पड़े तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता करना है। यानी 7 5s are 35, 1 5 7 2s are 14 और रिमाइंडर निकल के आया 1 ऑड डे, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे हो गया 1। सिमिलरली अगर लीप ईयर में ऑड डे फाइंड करना हो तो 7 5s are 35, 7 2s are 14, रिमाइंडर निकल के आया 2, यानी कि एवरी लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज। ये एक स्टैंडर्ड डेटा अब हमें मिल चुका है, ऑर्डिनरी ईयर हैज 1 ऑड डे, लीप ईयर हैज 2 ऑड डेज। आई होप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने कुछ और आने वाले वीडियोस में आपको ऑड डेज को और डेप्थ में भी समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल हमें जितनी जरूरत है इस कॉन्सेप्ट के लिए वो इतनी ही है कि अगर ऑड डे फाइंड करना है तो 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो मिलेगा वो हमें ऑड डे बताएगा। चलिए, तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 और लीप ईयर में 2। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक हम एक एक ईयर की बात कर रहे थे, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो 100 ईयर्स की बात हो रही है। 100 ईयर्स में सारे तो ऑर्डिनरी ईयर नहीं हो सकते, क्योंकि सब में 365 दिन नहीं होते, सारे लीप ईयर भी नहीं हो सकते क्योंकि सब में 366 डेज नहीं होते, कुछ ऑर्डिनरी होंगे कुछ लीप होंगे। यानी अगर मुझे यह पता लग जाए कि इसमें ऑर्डिनरी कितने हैं और लीप कितने, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, अभी हमने देखा एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, तो मैं 4 से डिवाइड करके ये पता कर लूं कि कितने लीप हैं और कितने ऑर्डिनरी, तो मेरा काम चल जाएगा। तो हमें पता करना है लीप कितने हैं और ऑर्डिनरी कितने हैं। 100 by 4 मुझे देता है 25 लीप ईयर्स, और बाकी जितने भी बचे वो 75 ऑर्डिनरी ईयर। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। ये 25 लीप ईयर्स हैं और बाकी सारे ऑर्डिनरी। तो चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है तो 75 × 1, और हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज तो 25 × 2, और टोटल किया हमने 25 × 2 + 75 × 1, जो कि निकल के आता है 125 ऑड डेज। लेकिन 125 ऑड डेज तो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा यहां पर 10 ऑड डेज पॉसिबल थे क्या? नहीं, क्योंकि उसमें से 7 दिन का एक ग्रुप बन चुका था। 51 पॉसिबल थे क्या? नहीं, उसमें से 7 वीक्स निकल चुके थे। तो 125 ऑड डेज भी पॉसिबल नहीं है। यार यूं कह दूं कि ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7। तो हमें क्या करना होगा, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना होगा। इस बात को थंब रूल बना लीजिए कि ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7। जब भी नंबर बड़ा हो आप 7 से डिवाइड करके उसे ऑड डेज में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि रिमाइंडर हमें निकालना है। 7 1s are 7, 7 7s are 49 और रिमाइंडर निकल के आया 6, तो 6 ऑड डेज आपको मिले 100 ईयर्स में, यानी 100 साल में 6 ऑड डे निकले हैं अब तक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज पॉज कीजिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहानी में ट्विस्ट का काम करेगा। ट्विस्ट क्या है वो देखिए, मैं आपको 2 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिन्हें हम फिलहाल के लिए सिर्फ लर्न करेंगे, और जब मैं कॉन्सेप्ट खत्म करूंगा, वीडियो खत्म करूंगा, तो मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रिवील करूंगा जो आपको आज तक शायद पता ना हो। उनमें से पहला कॉन्सेप्ट है कि 100th ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं होता है। जी हाँ, 100th ईयर लीप ईयर नहीं होता। बहुत लोगों को नहीं पता होगी ये बात। कोई भी नंबर हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि वो लीप है या नहीं। 100 को 4 से डिवाइड किया, पूरी तरह डिवाइड हुआ, लेकिन लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा कि 100th ईयर लीप ईयर क्यों नहीं है, मगर फिलहाल मान लेते हैं 100th ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। अगर 100th लीप ईयर नहीं है तो ये जो कैलकुलेशन हमने 100 को लीप ईयर मान के की है, इसको हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे लीप ईयर
माना था 100 को. अब अगर वो लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर एक कम हो जाएगा. जो काउंटिंग हमने की थी 4, 8, 12, 16, 96 तक हम पहुंचे थे और फिर 100 भी काउंट किया था. तो ध्यान रहे 100 ईयर लीप ईयर नहीं है. अगर वो लीप नहीं है तो वो ऑर्डिनरी होगा. यानी कि अब इन 100 ईयर्स में से 24 लीप ईयर्स हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर. और हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज, हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे. 48 प्लस 76 124. लेकिन हम जानते हैं लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर को जो टोटल निकला है 124, वो ऑड डेज नहीं हो सकता बिकॉज ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7. तो फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे और इस बार जो आउटकम आएगा वो हमारा करेक्ट डेटा है. 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज निकल के आए हमारे पास? अब 5. यहां तक कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप वीडियो फिर से चेक कीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है. हम जो बात कर रहे हैं ये डेरिवेशन है. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 सेकंड मेरी गारंटी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट से को लेकर डरने की जरूरत नहीं है. हम यहां से जो आउटकम निकाल रहे हैं बस उसको हम काम में लेंगे. जैसे कि हमारा पहला आउटकम था ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज, और अब निकल के आया है 100 ईयर में 5 ऑड डेज. चलिए देखते हैं आगे. 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, तो 200 ईयर्स में 10 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 15 ऑड डेज और 400 ईयर्स में 20 ऑड डेज. सिंपल लीनियर कैलकुलेशन है. अगर एक पेन 5 रुपए का आता है तो 2 10 रुपए के और 3 15 रुपए के. बस वो कैलकुलेशन मैंने यहां पे लिखी है. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7, इसलिए यहां पर इन्हें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें मिल जाए ऑड डेज 200 ईयर्स में, 300 ईयर्स में और 400 ईयर्स में. तो 10 डिवाइडेड बाय 7 हमें डेटा देता है 3, 15 बाय 7 रिमाइंडर 1, ध्यान रहे हम रिमाइंडर है यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 20 बाय 7 होता है 6. तो जी हां, अब हम पहुंच चुके हैं बहुत क्लोज अपने आंसर के. ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डे, लीप ईयर 2 ऑड डेज, 100 ईयर्स 5 ऑड डेज, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0. ध्यान रहे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां बताऊंगा. पहला कॉन्सेप्ट था 100th ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 400th ईयर इज अ लीप ईयर. देखिए मैंने आपको कहा 100th ईयर इज नॉट ए लीप ईयर. जब कहा 100th ईयर लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब 200th भी नहीं है, 300th भी नहीं है, सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर नहीं है. लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 400th ईयर वो लीप ईयर है. देखिए इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर आप परेशान नहीं हो, ये दोनों मैं आपको वीडियो खत्म होने तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा. मगर फिलहाल हमें जो समझ आती है वो ये बात है कि 400th ईयर लीप ईयर नहीं है. अगर 400th ईयर लीप ईयर नहीं है तो ये डेटा 20 की जगह होना चाहिए 21. सॉरी 400th ईयर लीप ईयर है, अगर है तो 400th जो ईयर है हमारा वो होना चाहिए लीप ईयर. और 400th ईयर अगर लीप ईयर है तो हमारा टोटल आना चाहिए 21 इंस्टेड ऑफ 20. और जब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 बिकॉज 21, अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 बिकॉज 21 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7. जी हां, कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है. आप देखिए क्यों? क्योंकि हमने जो हमें 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए थे वो निकाल लिए. मैं उन 6ों को एक बार फिर से आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूं. देखिए हमें क्या निकल के मिला है. हमें यहां से ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0. जी हां, कॉन्सेप्ट खत्म. अब अगर आपसे कोई कहता है कि 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं तो हमें पता है 1, 400 में 0, 200 में 3, 100 में 5, ऑर्डिनरी में 1, लीप ईयर में 2. अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 ईयर्स में कितना होगा तो ध्यान रहे 500 क्या है? 400 प्लस 100, और 400 में 0 ऑड डेज, 100 में 5, तो 500 में भी कितने होंगे? जी हां, 5 ऑड डेज. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि 600 में कितने ऑड डेज होंगे तो वही होंगे जो 200 में थे, क्योंकि 600 में से 400 में 0 है, 200 में 3 है.
700 और 300 सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये हो गया आपका 700 का डेटा। सिमिलरली 800 में वही होगा जो 400 में होगा। तो अब हमें किसी भी ईयर के लिए कैलकुलेशन का इशू नहीं आएगा। लेकिन हमने साथ ही साथ जो बात ऑब्जर्व की है वो ये कि 400, 800, 1200, 1600, 2000 यानी 400 के मल्टीपल ईयर्स में ऑड डेज जीरो होते हैं। ये 6 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैलेंडर के। मैं एक फाइनल बार ये 6 कॉन्सेप्ट आपके सामने रीकैप कर रहा हूं। ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डे, लीप ईयर 2 ऑड डेज, 100 ईयर्स 5, 200 300, 1 400 0। बस अब मूव करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ही है। और क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि वी हैव 7 डेज इन अ वीक। हमारे पास 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये एक स्टैंडर्ड टेबल है जो हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। मंडे स्टैंड्स फॉर 1 ऑड डे, ट्यूसडे फॉर 2, वेनसडे फॉर 3, थर्सडे फॉर 4, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये स्टैंडर्ड टेबल हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। 7 ऑड डेज होना और 0 ऑड डेज होना एक ही बात है, बिकॉज 7 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 0। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को, जो कि था 15th August 1947। कौन सा डे रहा होगा हमारा इंडिपेंडेंस का, तो चलिए चेक करते हैं इंडिपेंडेंस डे हम कब।